राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव, दो समुदायों के बीच झड़प के बाद रविवार को पथराव और फायरिंग हुई थी और एक बार फिर से पथराव और फायरिंग की घटना। जोधपुर में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात। जोधपुर झड़प मामले में दो लोग घायल, एक की हालत गंभीर, पुलिस ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल ने चिट्ठी जारी कर दी धमकी, चिट्ठी में पैगंबर के अपमान का बदला लेने का जिक्र। आतंकी संगठन अलकायदा ने कहा, हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे, हम अपने और अपने बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर ऐसे लोगों को उड़ा देंगे। अलकायदा ने हिंदुओं को बताया भगवा आतंकवादी, कहा देश के कई राज्यों में भगवाधारियों को जान से मार देंगे। पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के बयान पर अलकायदा की धमकी, अलकायदा के मैसेज में टीवी डिबेट का जिक्र। नुपुर शर्मा विवाद पर पाकिस्तान की साजिश, बेनकाब खाड़ी देशों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया कैंपेन। गल्फ देशों से भारत के अच्छे संबंध को खराब करने की साजिश, नुपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। पाकिस्तान ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप, धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा पर जारी एक्शन के बीच शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का विवादित बयान, कहा बुलडोजर चला तो कफन बांध कर निकलेंगे। कानपुर के शहर काजी ने पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल, कहा अब आगे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, नादान बच्चे उन्हें छोड़ देना चाहिए। कानपुर के शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का दावा, पहले नमाजियों पर पथराव हुआ, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आत्मरक्षा में पत्थर फेंके। कानपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी, 147 मकानों को प्रशासन ने पहचाना। कानपुर हिंसा के बाद एसआईटी जांच जारी, साजिश की तह तक जाने के लिए प्रशासन ने 4 एसआईटी का गठन किया। कानपुर हिंसा पर एक्शन को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा जिनके चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं सिर्फ उन पर ही कार्रवाई हो रही है। कानपुर हिंसा के बाद लोगों से पुलिस की अपील, उपद्रवियों को पकड़ने के लिए हिंसा की फोटो और वीडियो पुलिस को भेजने की अपील की। कानपुर हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की जांच तेज, पीएफआई के 5 सदस्यों में से 3 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर हिंसा पर एक्शन के बीच पीएफआई ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई हुई। यूपी में 9 जिले के डीएम का तबादला, कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का तबादला, नेहा शर्मा को निर्देशक स्थानीय निकाय बनाया गया, श्री विशाखा जी होंगे कानपुर के नए डीएम। ज्ञानवापी मामले में सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को मिली जान से मारने की धमकी, इस्लामिक संगठन ने जज को धमकी भरा पत्र भेजा। लगातार धमकी मिलने की वजह से सिविल जज की बढ़ाई गई सुरक्षा, सिविल जज रवि कुमार ने एक माह पहले ही जताई थी सुरक्षा की चिंता। ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, वाराणसी के डीएम पर सुप्रीम कोर्ट की अपमानना करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान से ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने की तैयारी, गृह मंत्रालय की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बैठक। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय वियतनाम का दौरा, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की आज रैली, शिवसेना की तरफ से सभी तैयारियां पूरी। लालू प्रसाद यादव की आज पलामू कोर्ट में होगी पेशी, आचार संहिता के उल्लंघन मामले में होगी पेशी। दिल्ली वासियों को 11 जून से मिलेगी हीट वेव से राहत, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में 10 जून तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस करीब रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार, आरोपी महिला के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज। दिल्ली के पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, एक शख्स के पास से 2.7 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा, गरीब कल्याण जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य सेवाओं का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज एमएलसी के लिए पर्चा भरेंगे, पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव होंगे मौजूद। उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, वर्ष 2024 समेत प्रदेश के विकास कार्यों पर होगी चर्चा। 9 जून को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करेगा यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। यूपी के लखीमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, हादसे में मां बेटी की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। अमरोहा में लव जिहाद का मामला आया सामने, आरोपी ने पहचान छिपाकर युवती के साथ शादी की, पीड़ित युवती ने एसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने 8 मकानों को गिराया, अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। बुलंदशहर में युवक की फायरिंग का वीडियो वायरल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में नकाबपोश बदमाशों का पेट्रोल पंप पर हमला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
आज देर शाम ग्वालियर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुरुवार को मुखर्जी भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा देश में अशांति फैलाना चाहती है पीएफआई। एमपी के अशोकनगर में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, 10,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया। एमपी के पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत, उथली हीरा खदान से मजदूर को 25 लाख रुपए की कीमत का हीरा मिला। एमपी के दतिया में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में 2 की मौत, कार सवार 3 घायल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, भू माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए जाएंगे स्कूल, भूमिहीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाया गया।